अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका A99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में इस्तकबाल करती हूँ। आइए डालते हैं आज की तफसीलात पर नज़र। नाज़रीन, खबर के इख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको सबसे पहले मिले। तो नाज़रीन, देखते रहिए A99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया। SOT माधोपुर और कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन्स और तलाई जेवरात उड़ा ले जाने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए आज अदालती तहसील में दे दिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर श्री VC सजनर ने इस मामले की तमाम तफसीलात बताई। साथ ही इस मामले में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले SOT और कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस के तमाम मुलाजमीन को इनामात से नवाजा। आइए नाज़रीन, इस पर एक तफसीली रोशनी डालते हैं। हमारे नुमाइंदे MA माजिद के साथ ब्यूरो चीफ फरीद सिद्दीकी की यह तफसीली रिपोर्ट। माधापुर और KPHB में, नारसिंग में बहुत सारे सीरीज ऑफ चैन स्नैचिंग हुआ। इस चैन स्नैचिंग में अकेले औरत लोगों को सुबह सुबह पैदल में जाके चैन स्नैचिंग करने वालों को एक गैंग को हम लोग साइबराबाद पुलिस अरेस्ट किया। ये माधापुर DCP की लीडरशिप में वेंकटेश्वर राव और एडिशनल DCP SOT वो दोनों मिलकर उनका टीम के हिसाब से ये 5 लोगों को अरेस्ट किया। ये लोग KPHB बाचपल्ली नारसिंगी और माधापुर एरिया में 5 ऑफेंसेस किया। इसके अलावा भी ये लोग मोटरसाइकिल और सेल फोन थेफ्ट का भी ऑफेंस करते थे। कुल मिला के 11 ऑफेंसेस हम लोग डिटेक्ट किया। 86 ग्राम्स गोल्ड किया, 3 मोटरसाइकिल और 3 सेल फोन भी रिकवर किया। ये मेन इनका गैंग लीडर है दस्तगिरी करके। ये पहले ये बहुत छोटी उम्र से ये चोरी करने का आदत पड़ गई। 2 बार भी जेल जाके आया। इससे पहले भी बेगमपेट और माधापुर केस में अरेस्ट हुआ। सितंबर 2018 में रिलीज होने के बाद उनके ब्रदर के साथ सेंटरिंग वर्क करते थे। बाद में फिर अगेन लैविश एक्सपेंडिचर के वजह से फिर एक शिवा साईराम मिलके और एक जूनेल के इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ के आदमी से मिलके ये ऑफेंसेस करते थे। ये पिलेन राइडर थे, दूसरे लोगों को यूज करके चैन स्नैचिंग करते थे। पिलेन राइडर से पैदल जाके अकेला औरत से चैन स्नैचिंग करके ये लोग ऑफेंस करते थे। से इनके खिलाफ भी हम लोग PD एक्ट इनवोक करके इनको भी PD एक्ट लगाने के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके साथ ये ऑफेंस होने के लिए बहुत इनसिक्योरिटी फीलिंग हुआ था लेडीज को। इसके अलावा हम लोग 5 ऑफेंसेस करने के बाद बेसिकली CCTV बहुत हेल्प हुआ हमको। CCTV वजह से हम लोग ये 5 ऑफेंसेस डिटेक्ट